हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर जेल में दंडित बंदी ने लगाया परेशान करने का आरोप। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल पर एक बार फिर दाग लग गया है। यहाँ मोबाइल और प्रतिबंधित सामग्रियां मिलना आम बात है, लेकिन अब दंडित बंदी ने यहाँ पर जेल प्रशासन के खिलाफ परेशान करने का आरोप लगाया है। उसका आरोप ये है कि यहाँ पर जातिवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर उसने अनशन भी शुरू किया और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सारी जानकारी दी। इसके बाद उसके मारने और पागल करने की साजिश रची जा रही है। 30 सितंबर से लगातार अनशन कर रहे उसकी तबीयत बिगड़ने पर रविवार को उसे महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। दरअसल मालाराम जोधपुर जेल में NDPS एक्ट के तहत 12 साल की सजा काट रहा है। मालाराम ने ये अनशन जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवाद के विरोध में शुरू किया। अपने अनशन को लेकर मालाराम ने 2 अक्टूबर को जोधपुर कलेक्टर के नाम एक पत्र लिखा था कि जेल सेवा के कार्यों में लगाए जाने वाले बंदियों के मामले में जातिवाद किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश की हाई सिक्योरिटी जेलों में शामिल जोधपुर जेल में कई खतरनाक बंदी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जेल में बंदियों के पास मोबाइल फोन बरामद होना आम बात है। इसके अलावा कई जेल कर्मी जेल में नशा पहुंचाने के आरोप में निलंबित हो चुके हैं, लेकिन यहां अनियमितताओं का सिलसिला नहीं रुका। अब यहां जातिवाद का आरोप लगाया गया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।